आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने श्वसन का ध्यान आकर्षण कराने के लिए सद्बुद्धि हवन यज्ञ किया, जो छतरपुर जिले के मेला ग्राउंड में नियमितीकरण की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि लंबे समय से श्वसन को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन श्वसन ने अब तक नियमित नहीं किया है। वहीं कम सैलरी का काम करने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जिसको लेकर वे भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। वहीं मजदूर संघ के जिला मंत्री भूपेंद्र बुंदेला ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने के लिए लगातार शासन प्रशासन को ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन कोई पहल नहीं होने से सभी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश शासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है। सद्बुद्धि यज्ञ तो जो हम लोगों की काफ़ी समय से ये मांगे चल रही है, हम लोग बार बार धरना और ये ज्ञापन वगैरह देते हैं, इसमें हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है। हम लोग लगातार अभी मांगों के लिए बार बार धरना प्रदर्शन या ज्ञापन देते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। तो हमारी सभी बहनें बहुत इस चीज़ से दबाव से और बहुत कार्यों से प्रभावित हो रही हैं। जो दबाव का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ में प्रदेश मंत्री के पद पर हूँ और आज हम ये सब लोगों ने ये आयोजन इसलिए किया है क्योंकि बहुत ये हम लोगों ने सद्बुद्धि हवन का आयोजन किया हुआ है। इसमें बहुत समय से हम लोगों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं चली आ रही है, सरकार हमारी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन ये जो प्रदेश पदाधिकारियों ने निर्णय लिया था कि आज 10/12/2022 को पूरे प्रदेश में सद्बुद्धि हवन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज यहाँ हवन किया गया।